नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल होम रेमेडीज़ ऑफ लाइफ केयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एल्यूमिनियम फॉइल के 7 हैक्स, जिन्हें नहीं जानते होंगे आप। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। खाना पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल तो हर घर में होता है, मगर क्या आप जानते हैं कि यह घर के कई छोटे बड़े काम जैसे कैंची की धार तेज करने, जंग उतारने या बैटरी चार्ज करने में भी यह अहम भूमिका निभाता है। अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको एल्यूमिनियम फॉयल के जुड़े कुछ ऐसे हैक्स बताएंगे जो आपके काम को आसान बना देंगे। जैसे नंबर एक, कैंची की धार तेज करें। वक्त के साथ कैंची की धार भी कम हो जाती है, ऐसे में आप घर पर ही इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एल्यूमिनियम फॉइल से निकाल सकते हैं। जंग लगी कैंची से 8 से 10 बार एल्यूमिनियम फॉइल को काटने से उसका जंग उतर जाता है और धार तेज हो जाती है। नंबर दो, लिक्विड को सेव करें। किसी बर्तन या बोतल में लिक्विड चीज डाल रहे हैं तो पहले एल्यूमिनियम फॉइल की मदद से उसे कवर करें, फिर ढक्कन लगाएं, इससे चीज सेफ रहेगी। इसके अलावा आप बोतल में कोई लिक्विड चीज डालना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल की ट्यूब बनाकर इसे इस्तेमाल करें। नंबर तीन, कपड़ों को करें आयरन। अगर आप कपड़ों को आयरन करते समय मेहनत कम करना चाहते हैं लेकिन प्रेसिंग परफेक्ट चाहते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करें। कपड़ों को प्रेस करने से पहले उनके नीचे फॉइल बिछा लें, इससे नीचे रखा फॉइल गर्म हो जाएगा और दोनों तरफ से कपड़ों की सिलवटें हट जाएंगी। नंबर चार, आयरन की प्लेट चमकाएं। ज्यादा इस्तेमाल से आयरन की प्लेट काली पड़ जाती है, कई बार कपड़ा चिपक जाने से वह बार बार कपड़े सड़ाने लगती है, ऐसे में आयरन को चमकाने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल इस्तेमाल करें। फॉइल को लपेटकर बॉल आकार दें, फिर उससे आयरन की प्लेट रगड़ें। नंबर पांच, बैटरी करें चार्ज। घर में टीवी के रिमोट या किसी दूसरी चीज की बैटरी खत्म हो गई है तो उस वक्त एल्यूमिनियम फॉइल आपकी मदद करेगी। फॉइल को बैटरी के दोनों सिरों पर लगाकर दोबारा बैटरी का इस्तेमाल करें। नंबर छह, फर्नीचर खिसकाने में मदद। कई फर्नीचर ऐसे होते हैं जिनके नीचे पहिए नहीं लगे होते, जब इनकी सेटिंग एक जगह से दूसरी जगह पर करनी हो तो इन्हें खिसकाने में काफी दिक्कत आती है, ऐसे में फर्नीचर के पायों पर एल्यूमिनियम फॉइल लपेट दें। ऐसा करने से फर्नीचर आसानी से खिसकाया जा सकता है। नंबर सात, जलने से बचाए खाना। अगर आप चाहती हैं कि खाना बर्तन में ना चिपके तो पैन पर फॉइल की एक परत बिछा लें, ऐसा करके आप बिना तेल के भी खाना बना सकती हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारी इस जानकारी को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।